संस्कार भारती द्वारा दीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन सूरजकुंड धाम पर किया गया। इस दौरान सूरजकुंड पोखरा पर 5100 दीप जलाया गया, जिसमें पूरा वातावरण दीपोत्सव में बदल गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, कार्यक्रम के संयोजक वीरेंद्र गुप्ता, संस्कार भारती के महामंत्री प्रेमनाथ संतोष मणि त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दीपावली पर्व के अवसर पर आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित अतिथियों द्वारा माँ गंगा की आरती उतारी गई। आपको बता दें कि संस्कार भारती द्वारा दीपावली पर्व के दूसरे दिन सूरजकुंड धाम पर परंपरागत रूप से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। दीपोत्सव के बाद सूरजकुंड पोखरे का दृश्य अद्भुत नजर आता है। दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक वीरेंद्र गुप्ता तथा राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, ये मंच के इर्द गिर्द इस गीत को भूमिका के लिए मैं आज यह संक्षिप्त है, अन्यथा जो अद्भुत दृश्य यहाँ दिखता है वह लगता है कि जैसे पूरे का पूरा यह सूरजकुंड पोखरा केवल दीपों से भरा हुआ, लोगों की आस्था जुटी हुई है। और जब संस्कार भारती ने इसमें अपना अभियान चलाया तो न केवल इस मोहल्ले के लोग बल्कि शहर के अधिकांश मोहल्ले के लोग यहाँ आकर के संस्कार भारती के साथ जुड़ कर करके अपनी आस्था का प्रदर्शन यहाँ कर दे रहे हैं।
वैसे तो संस्कार भारती एक अखिल भारतीय संगठन है जो निश्चित रूप से भारतीयता के संस्कारों को लोगों में पिरोने का काम करती है। ऐसे कलाकार जो कहीं न कहीं मंच न पाने के नाते गुम हो जाते हैं, उनको भी मंच देने का काम करती है। न केवल मंच देने का काम करती है बल्कि उनको उनके कार्य का विस्तार भी देने का कार्य करती है। आज के इस मतलब अवसर पर मुझे श्रद्धेय योगेंद्र जी का नाम याद आता है जिन्होंने संस्कार भारती को इतना बड़ा बना दिया कि उसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति के रूप में ला करके स्थापित कर दिया। मैं वीरेन जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, इनकी टीम को, हरिप्रसाद जी को और सभी लोगों को इसके लिए साधुवाद देता हूं कि निश्चित रूप से वह इस कार्यक्रम को, इस अभियान को चलाते रहे। लोग जुटेंगे, नगर जुटेगा और धीरे धीरे यहाँ के प्रचार के आधार पर मुझे लगता है कि अब तो इतना विजुअल हो चुका है कि उसके आधार पर पूरा भारत जुटेगा। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ। आगे यह कोविड खत्म हो तो अपनी पुरानी स्थिति में आज का दीप जले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र, संस्कार भारती का दीपोत्सव संयोजक। इस कार्यक्रम की रूपरेखा पिछले 26 वर्ष पूर्व संस्कार भारती ने विचार किया। दीपावली उत्सव घरों में कैद हो चुका था तो हम लोगों ने विचार किया कि समाज की इस व्यवस्था को फिर से समाज के बीच में कैसे लाया जाए और अपने मानवेंद्रियों के प्रति समाज के नौजवानों को पुनः कैसे जोड़ा जाए, उस निमित्त इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की गरिमा विश्वविख्यात हुई। यहाँ हमारे सेना के लोगों ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की कुछ दिनों पहले और इसी की प्रेरणा से माननीय योगी जी ने अयोध्या में भी दीपोत्सव का प्रारंभ किया और समाज के अन्य लोगों ने अनेक जगहों पर दीपोत्सव का आयोजन करना प्रारंभ किया। संस्कार भारती से बहुत अभिभूत है कि उसका एक छोटा सा प्रयास आज देश भर में चर्चित हो रहा है और समाज के सारे लोग इसकी सराहना में जुटे हुए हैं। मैं आप सबके माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम। ये कार्यक्रम सूर्यकुंड पोखरे पर जो हो रहा है, अखिल भारतीय संस्कार भारती द्वारा के गोरखपुर शाखा के द्वारा आयोजित है और मुझे लगता है कि यहाँ के मोहल्ले के लोग, शहर के लोग जुटते हैं। आज के दिन यहाँ पूरा दीपों से भरा रहता है और इस बात को प्रदर्शित करता है कि सूर्यकुंड पोखरा जो पौराणिक ऐतिहासिक है, उस इतिहास को संस्कार भारती ने और अधिक बढ़ाने का काम किया है। हम सब लोग इससे जुटे हुए हैं।